यहाँ पर एक चीज बोलना चाहता हूँ, बहुत से लोग बोलते हैं ब्रांचेस खोल दो, ब्रांचेस खोल दो, मेरी ब्रांचेस खोल दो एशिया टेलीकॉम के, तो क्या ब्रांचेस मुझे खुलना चाहिए कि नहीं खुलना चाहिए? नहीं खुलना चाहिए। रीजन बताइए। इस तरीके से आप पढ़ाते सर, दूसरे नहीं पढ़ा सकते, इम्पॉसिबल। अगर मैं उसको पूरी टेक्निक भी बता दूं तो पढ़ा पाएंगे क्या? नहीं सर, जिस तरीके से डेडिकेशन के साथ आप पढ़ाते और जो एनर्जी आप पुट करते सर, वो इम्पॉसिबल है कोई पुट कर। तो वही रीजन है, लोग मेरे से पूछते हैं सर ब्रांचेस आपकी है कि नहीं है। भाई मेरे पास अगर मेरा वीडियो देख के आ रहे हो तो फिर पढ़ो ही मत, या तो मेरे से पढ़ो या तो फिर कहीं नहीं पढ़ो, या तो किसी भी इंस्टीट्यूट चले जाओ, उसको एशिया टेलीकॉम ही समझ लो। ब्रांच खोल देंगे तो दूसरे पे उतना भरोसा भी नहीं करते, आपके जैसा सर पढ़ा सकते हैं। क्योंकि आप जो मेरे को फॉलो कर रहे हो ना, उसको तो फॉलो नहीं कर रहे ना। चलिए थैंक यू वेरी मच। और यहाँ पर कल मैं, अगर तुम एक जानवर हो, तुम कौन सा जानवर समझते हो अपने आप को? शेर समझते हो? सब लोग शेर समझते हैं क्या जंगल में? कोई यहाँ पर बंदर तो नहीं है ना यहाँ पर? तो शेर की दहाड़ क्या होती है? 1.5 किलोमीटर तक आती है ना। तो यहाँ पे हम दहाड़ के साथ में, यहाँ पे एक साथ में क्या बोलेंगे बताइए? इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र अग्रवाल, आप देख रहे हैं इसे टेलीकॉम आपका चैनल। दोस्तों यहां पर है मेरे साथ में मेरी क्लास, और आज हमने सॉफ्टवेयर अटेंड किया है 4 दिन। कितने दिन हुए सॉफ्टवेयर अटेंड किए हुए? 4 दिन। 4 दिन अटेंड किए हुए हैं। हार्डवेयर आपका कंप्लीट हो चुका है? चलिए, आपका नाम क्या है? मोहम्मद आसिम। कहाँ से? मुंबई से। कैसा रहा ये 4 दिन? मतलब बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, यहाँ पर जो भी हमने सॉफ्टवेयर अटेंड किया है वो सब बोर्ड वोर्ड में लिखवा के किया है, कुछ प्रैक्टिकल भी करवाया सर? प्रैक्टिकल ही करवाया, लिखवाया तो कुछ नहीं है ना। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अब चलिए शुरुआत करते हैं। एक बार आप लोग ने MTK को फ्लैश कर लेंगे, जो जो जिन जिन को आता है वो हाथ उठाएगा। MTK को फ्लैश कर लेंगे, वेरी गुड। MI को फ्लैश कर सकते हैं? और अगर कॉलकॉम का कोई फोन आया तो फ्लैश कर सकते हैं? सैमसंग कोई फ्लैश कर सकते हैं? चलो अब यही बात चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं, आप आ जाइए, आपका नाम क्या है? पवन, आप ये बताओ कि MTK में कैसे पता चलेगा एक MTK का CPU है? सर उसका नेट पे आप सर्च करेंगे गूगल पे और उसका CPU टाइप डालेंगे सर। मतलब तीन तरीके हैं? जी सर। तीन तरीके आपको पता है किस तरह से CPU पता कर सकते हैं? गूगल पे, एक GSM रहना पे और डिवाइस मैनेजर से। अगर मैं आपसे पूछूं, एक मान लीजिए आपने पता कर लिया एक MTK का सेट है, उसमें कौन कौन से मोड हो सकते हैं सर? सर 2 मोड होते हैं। कौन कौन से? फ्लैश मोड, एक एंड्रॉइड मोड। एक फ्लैश मोड हो सकता है और एक कौन सा मोड हो सकता है? एक एंड्रॉइड मोड हो सकता है। अब मैं आपसे यहाँ पे पूछना चाहता हूँ, मुझे एक बार बताओ कि अगर मैं डिवाइस मैनेजर में कनेक्ट कर रहा हूँ तो कौन से मोड में कनेक्ट करूंगा? सर नॉर्मल मोड, फ्लैश मोड में। फ्लैश मोड में। और एक MTK में फ्लैश मोड कैसे कैसे ला सकते हैं? सर वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन से, और सर नॉर्मल डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और या तो फिर तीसरा एक और है सर, डायरेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट भी, और या तो फिर कैसे कर सकते हैं वॉल्यूम अप एंड दोनों एक साथ दबाना है। सो फ्लैश मोड आपको पता है क्या होता है? फ्लैश मोड में मोबाइल फोन किस कंडीशन में रहता है? डेड कंडीशन, मतलब बंद कंडीशन में रहता है। अगर मैं आपसे यहाँ पे बात कर रहा हूँ, MTK में क्या क्या फाइल एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्या क्या फाइल आ सकता है? उसमें तीन फाइल हो सकते हैं, सेक्टर फाइल, AP फाइल, BP फाइल। मतलब एक स्कैटर फाइल मिलेगा, एक AP और एक BP। अगर फोल्डर कौन कौन से मिल सकते हैं? दो टूल मिलेंगे आप, वेरी गुड। यहाँ पर आप बताओ दो टूल को कौन कौन से हो सकते हैं? एक SN टूल होगा और एक SP टूल होगा। एक SN राइटर और एक SP टूल। SP टूल कौन से दो वर्जन के साथ मिल सकते हैं? V3 और V5 मिलेगा। कंडीशन होगी जो भी फोन का टूल आएगा वो हम यूज कर सकते हैं। सो अगर SN राइटर का काम क्या काम के लिए आता है? SN राइटर IMEI रिपेयर करने के लिए काम में आता है। और अगर SN राइटर में IMEI रिपेयर किस मोड में होता है? ऑफ मोड में, फ्लैश मोड में। सो जैसे कि उसमें कौन सी फाइल यूज करते हैं हम? AP और BP। DP तो हालांकि इससे राइटर में लिखा होता है, वो भी सही है, DP फाइल यूज करते हैं। और वो कहाँ पे मिलती है हमें? फ्लैश फाइल में, फॉर्मवेयर में मिलती है, वेरी गुड। अगर मैं बात करूं, अगर एक मीडिया टेक को हम किस किस टूल के साथ फ्लैश कर सकते हैं? SP टूल कर सकते हैं, मिरेकल कर सकते हैं, UMDC कर सकते हैं। अगर मुझे मीडिया टेक का फॉर्मवेयर कॉपी करना है तो किस टूल के साथ कर सकते हैं? UMD होगा सबसे सही टूल। अच्छा टूल किस क्या होगा इस दोनों में? रीजन बताइए। निकाल सकते हैं और सर उसमें फाइलों को अनटिक भी कर सकते हैं। तो अब मुझे बताइए कि अगर मैंने एक MTK को रीड किया तो मुझे स्टॉक रोम और उसमें जो रीड की हुई फाइल में क्या अंतर होता है? डाटाबेस फाइल नहीं मिलेगी, बाकी हम किसी भी फोन में चला सकते हैं। मैं आपसे बात करना चाहता हूं, अगर मान लीजिए मैंने एक मॉडल लिया और सेम मॉडल 2 है मेरे पास, मैंने एक को रीड कर लिया और दूसरे को चला लिया, तो उसमें मुझे फिर बाद में क्या रिपेयर करना पड़ सकता है? IMEI रिपेयर करना, क्योंकि वो सेम IMEI नंबर यूज हो जाता है। चलो थैंक यू वेरी मच। अगर मुझे आप बताओ कि यहाँ पर इन्होंने
अगर मैं एफआरपी की बात करूं तो एफआरपी कहां कहां से निकल सकता है? सर पे तीन जगह से है, मिरेकल से, एक्स्ट्रा निकल से, फास्ट बूट निकलती है और नॉर्मल। फास्ट बूट से क्यों नहीं निकलेगा, इसका एक कंडीशन क्या है? बूट लोडर लॉक, बूट लोडर लॉक होगा यहां पे। फास्ट बूट से क्या होगा? बूट लोडर लॉक होगा। अगर मैं आपसे, बूट लोडर क्या होता है सर? बूट लोडर सर अपना फास्ट बूट मोड, फास्ट बूट मोड होता है। वो लॉक क्यों होता है सर? क्योंकि कस्टमर जो है अनलॉक नहीं कर सकते, अनलॉक नहीं कर सकते, बाकी बूट लोडर लॉक होगा, तो इसलिए हमें कौन से मोड से करना पड़ेगा सर? फास्ट बूट मोड, फ्लैश मोड से। कौन से मोड से करना पड़ेगा? फ्लैश मोड से। तो ये बिल्कुल सही बताया कि नहीं बताया? ये सब आपको जानकारी है कि नहीं है यहाँ पर? ठीक है, थैंक यू वेरी मच, ताली बजा दीजिए इन लोगों के लिए। अब मैं यहाँ उठाना चाहूंगा, सो अब यहाँ पे बात करेंगे हम कॉलकॉम। सो आप मुझे एक बार बताइए कि कॉलकॉम में फ्लैश मोड किस किस तरीके से लाया जा सकता है? रेडियल मोड पे, और वॉल्यूम अप और डाउन, और या फिर रेडियल केबल के साथ, रेडियल केबल और या फिर टेस्ट पॉइंट के साथ में। अगर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कॉलकॉम, ये तो आपने पता कर लिया, जैसे बताया कि कैसे पता कर लेंगे कि सीपीयू कॉलकॉम का लगा हुआ है। मैं ये आपसे पूछ रहा था कॉलकॉम में एक एंड्रॉइड, एक कॉलकॉम एक एंड्रॉइड फोन है, उसमें कितने मोड हो सकते हैं? सर दो मोड। कौन कौन से? सर एक एंड्रॉइड और एक अपना फ्लैश मोड। एक एंड्रॉइड और एक फ्लैश मोड। आप मुझे बताओ कि एक एंड्रॉइड के अंदर कितने मोड होंगे? कौन कौन से? डीबी मोड, फास्ट बूट मोड और डायग्नोस्टिक। डायग्नोस्टिक मोड किसके लिए यूज होगा सर? ईएमआई रिपेयर करने के लिए। ईएमआई और रिपेयर करने के लिए। यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मुझे ये बताओ कि डायग्नोस्टिक मोड एनेबल करने के तरीके बताओ। डायग्नोस्टिक मोड के लिए सर यूएसबी डिबगिंग को ऑन करना पड़ेगा। दूसरा डेवलपर मोड में, डेवलपर वो तो ठीक है, कैसे ऑन करना है पता है आपको, दूसरा तरीका बताइए। मेडिकल से डायरेक्ट, और उसके बीच में एक और तरीका क्या है? सीक्रेट मोड भी होता है। वेरी गुड। और अगर तीनों से नहीं हुआ तो फिर, तीनों से नहीं हुआ तो रूट करना, क्या करना पड़ेगा? रूट करके हम डायग्नोस्टिक मोड को ऑन कर सकते हैं सर। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं आपसे बोले एक कॉलकॉम में क्या क्या फोल्डर एक्सपेक्ट कर रहे हो सर? फोल्डर उसमें मिलेंगे सर, एक ड्राइवर मिलेगा और एक फर्मवेयर और एक क्यूफिल। क्यूफिल मिलेगा, क्यूफिल का फुल फॉर्म बताओ सर? कॉलकॉम फ्लैश इमेज लोडर। वेरी गुड, कॉलकॉम क्यूफिल। अगर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्यूफिल जो आ रहा है, सो यहाँ पर फर्मवेयर में कौन कौन सी फाइल मिलेगी आपको? फर्मवेयर में सर एक एमपीएन फाइल मिलेगी और एक रॉ, एक पैच। रॉ और एक पैच। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ यहाँ पर एम्बिएंट और रॉ और पैच, रॉ फाइल, रॉ जो फाइल होती है उसमें एक ही रॉ होती है कि बहुत सारी रॉ होती है? और मेरे को अच्छा लगा कि यहाँ पर रिजल्ट मिल रहा है लोगों का, हर फीडबैक वीडियो में फॉलो करता था, हर चीज में देखता था। उसके बाद सर मैं यहाँ पर आया, मेरे को पता लगा जो इंस्ट्रूमेंट 6 महीने 7 महीने साल में नहीं सिखा पाते वो यहाँ 2 दिन की डेमो क्लास में मैंने सीख लिया। चैनल फॉलो कर ले, मतलब हम बोल रहे सर ने हमें पैसे नहीं दिए हैं बोलने के लिए, मेरा दिल बोल रहा है मतलब हाँ, क्योंकि हम भी बहुत ज्यादा अटक चुके हैं। मतलब सर ये नहीं बोलते कि हाँ तुम्हें बोलना है कैमरे पे, ये बोलना नहीं, जो हम बोल रहे हैं हम खुद का बोल रहे, कोई हम पे प्रेशर नहीं है कि नहीं तुम्हें बोलना नहीं बोलना, नहीं बोलेंगे तो नहीं बोलेंगे, बोलेंगे तो मतलब हमें ऐसा फील हमें लगा हम कोई भी काम कर सकते हैं। तो मैंने फिर सोचा कि कोई अच्छा सा स्टोर चुना जाए, तो मैंने फिर वीडियो देखा और यहाँ पे आया टेलीकॉम को चुना। तो आप सेटिस्फाई हैं सर? 100% सर्टिफाइड है। अब यहाँ से जाकर सर मैं बिल्कुल काम कर सकता हूँ और हर एक पार्ट को फॉलो कर सकता हूँ सर। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक अच्छा सा स्वाद डाल सकता हूँ, उसमें अपना जीवन व्यतीत कर सकता हूँ आगे चल के। मेरा हो सका तो मैं अच्छा सा एक स्टूडियो भी खोल सकता हूँ, लेकिन सबसे पहले अपने ऊपर कॉन्फिडेंस कर लूँ कि मैं हर एक पार्ट को फॉलो कर सकता हूँ। यहाँ पे आने के बाद वो इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं कि मतलब कुछ है, हाँ कुछ कर सकते हैं अपन। हमारा भी पहला दिन था सर, हमने भी पूछा था, तो हमको भी लगा यार, तो हमको भी घुस नहीं सके मतलब इसके अंदर। एक बार जैसे आप क्लास में हो गए आपको लग जाएगा जितना काम किया है वो कुछ नहीं था, अब है जो मैंने। अच्छा, ये सर सुना था। ये सर ये सारी चीज आपने फिर सुनी कल? हाँ सर। जो कल नए बच्चे जो आए थे? नहीं, नहीं, नहीं। अच्छा, मेरे को यहाँ पे सबसे बढ़िया ये लगा सर कि पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। स्टूडेंट के साथ में मतलब ना पेन कॉपी कुछ नहीं है, ओनली फॉर प्रैक्टिकल है सारे। सर मैं काफी दिन से आपकी वीडियो देख रहा था और मैंने देखा कि यहाँ पर काम बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, और मैंने और भी स्टूडेंट का रिव्यू लिया और मैंने यहाँ पर आकर सबसे पहले मैं और सभी जो स्टूडेंट थे बाकी बैच के उनसे भी बात आपके बारे में पूछा, तो उन्होंने सबने बोला कि हाँ यहाँ पर बहुत बेस्ट सिखाते हैं। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आने के लिए तैयार भी हो गया और आया और मैंने देखा कि जो मैंने सोचा था उससे मुझे ज्यादा ही मिला। पहले तो हम लोग मोबाइल का मैकेनिक बोलता था, वो मैकेनिक जो डिस्प्ले निकालने वाला, वो चार्जर कनेक्टर निकालने वाला, वो मैकेनिक नहीं होता है। वो जो जिसका वो अंदर का उसका सप्लाई ट्रेसिंग उसका कंपोनेंट का बारे में पता होना चाहिए, वो
जो इधर आके सीखा, जो इधर आके सीखना सीख सकता है। मतलब अगर आपको डाटा बचाना है और आपको सीखना सही तरीके से फ्लैशिंग, बाइटी नंबर क्या होती है, सारी चीजें आपने हमें सीखी यहाँ पर, मीडियाटेक का फ्लैशिंग हो या क्वालकॉम का फ्लैशिंग हो या एसपीडी का फ्लैशिंग हो, एमआई की फ्लैशिंग आप कर लेंगे यहाँ पर। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन? Announcing 1001 and 2008 Certified Institute, Asia Telecom, Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description.